everyone, and welcome back to this YouTube channel that is SAVI Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं सेमी ऑटोमेटिक एक्शन के बारे में. इससे पहले जितने भी तरह के एक्शंस होते हैं, जैसे आपका बोल्ट एक्शन होता है, लीवर एक्शन होता है, ब्रेक एक्शन होता है एंड पंप एक्शन होता है, तो उन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी तक आप लोगों ने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर से देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सो आज हम बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक एक्शन के बारे में. एंड बेसिकली जो सेमी ऑटोमेटिक एक्शन होता है, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं. ठीक है, तो उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक एक्शन क्या होता है. सो अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक एक्शन की, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ लोडिंग फायर आर्म्स और ऑटो लोडिंग फायर आर्म्स. तो जितने भी आपके सेमी ऑटोमेटिक एक्शन वाले फायर आर्म्स होते हैं, उनको हम सेल्फ लोडिंग फायर आर्म्स भी कह सकते हैं या फिर इनको हम ऑटो लोडिंग फायर आर्म्स भी कह सकते हैं. ठीक है, सो ये जो दो आपके नाम होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक एक्शन की, क्योंकि जो आपके ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं उनको भी हम सेम आपका ऑटो लोडिंग फायर आर्म्स कह सकते हैं. ठीक है, सेल्फ लोडिंग फायर आर्म या फिर ऑटो लोडिंग फायर आर्म्स जो आपके ऑटोमेटिक, आपके फुल्ली ऑटोमेटिक फायर आर्म्स होते हैं उनको भी कहते हैं. तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि बेसिकली मेन डिफरेंस क्या होता है आपका सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक एक्शन में. तो इसको अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेमी ऑटोमेटिक एक्शन क्या होता है. तो इसीलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक एक्शन की, इसके बाद में हम बात कर लेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक एक्शन की. फुल्ली ऑटोमेटिक को भी हम इसी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं आएगा. ठीक है, सो जो आपका सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स की अगर हम बात करें, तो जो आपकी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी उनका जो ओरिजिनेशन था वो 19th सेंचुरी में हुआ था. तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी उनका स्टार्टिंग कब हुआ था, उनका ओरिजिनेशन कब हुआ था. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19th सेंचुरी. ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. इसके अलावा अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक एक्शन बेसिकली होता क्या है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फायरआर्म एक्शन दैट फायर्स रिपीटेडली थ्रू एन ऑटोमेटिक रीलोडिंग प्रोसेस बाय प्रेसिंग अ ट्रिगर. इससे पहले जितने भी तरह के एक्शन थे तो उसमें कुछ ना कुछ एक एडिशनल पोर्शन आपको देखने को मिलता था फायरआर्म में. ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके बोल्ट एक्शन थे तो वहाँ पर आपको एडिशनल एक बोल्ट देखने को मिल रहा था. लीवर एक्शन में आपको एक एडिशनल लीवर देखने को मिल रहा था. पंप वाले में आपको एडिशनल पंप देखने को मिल रहा था. एंड जो ब्रेक एक्शन था तो उसमें आपको एडिशनल नॉब, एक एडिशनल बटन देखने को मिल रही थी जिसकी हेल्प से आपका जो फायरआर्म होता था वो बीच से ब्रेक होता था. लेकिन जितने भी आपके सेमी ऑटोमेटिक फायरआर्म्स होते हैं, इसमें किसी भी तरह के एक एडिशनल पोर्शन की ज़रूरत नहीं होती है. जो भी इसमें काम होता है वो सारा का सारा इंटरनल होता है. आपको जस्ट इसमें आपका जो फायरआर्म का ट्रिगर होता है उस ट्रिगर को प्रेस करना होता है एंड उसी से आपका ऑटोमेटिकली जो लोडिंग होती है, जो अनलोडिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है. यहाँ पर मैनुअली सिर्फ आपको हर बार ट्रिगर को पुल करना होता है. ठीक है, इससे पहले के जितने भी एक्शंस थे वो आपके पूरी तरह से मैनुअल थे. आपको हर बार उसमें जितना भी लोडिंग या अनलोडिंग करनी पड़ रही थी तो उसके लिए आपको एक एडिशनल कोई ना कोई उसमें इलोंगेशन पोर्शन था जिसका यूज़ करते हुए आपको लोडिंग या फिर अनलोडिंग करनी होती थी. तो वो सारे के सारे आपके जो थे वो आपके मैनुअल थे. ठीक है, अभी जो आपके एक्शंस होते हैं वो आपके कुछ सिंगल एक्शन होते हैं, मतलब एक बार में आप सिर्फ एक ही फायरिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है. जैसे आपका ब्रेक एक्शन था वो आपका पूरी तरह से सिंगल ऑटोमेटिक सिंगल एक्शन था. सिंगल एक्शन का क्या मतलब है, एक बार में आप एक ही फायरिंग कर सकते हैं, देन आपको फिर से उसको ओपन करना है एंड फिर आप फिर से आपको उसको लोड करना है. दैट मीन्स उसमें किसी भी तरह की मैगजीन प्रेजेंट नहीं है. तो सिंपल सा यही है, जिस भी फायरआर्म में एक मैगजीन प्रेजेंट होती है जो स्टोर करने का काम करती है आपके अनयूज्ड, जो भी अभी तक फायरिंग नहीं हुई है, जो आपके फ्रेश कार्ट्रिजेस होती हैं उनको स्टोर करने का जो काम करती है वो मैगजीन करती है. तो वो मैगजीन जिस भी आपके तरह के फायरआर्म में प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे आपके
मल्टीपल फायर वाले एक्शन हो सकते हैं एंड जिसमें आपका किसी भी तरह की मैगजीन प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो सारे के सारे आपके सिंगल फायरिंग वाले एक्शन होते हैं। ठीक है, सो एक तो ये डिफरेंस होता है आपके सिंगल एंड मल्टीपल वाले की अगर हम बात करें तो। ठीक है, सो ये मैंने इससे पहले डिस्कस नहीं किया था एंड यहाँ पर मैंने इसी वजह से इसको बता दिया है। फिर अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक की, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहता है, बस आपको यहाँ पर एक ट्रिगर को पुल करना होता है। तो अगर हम बात करें ट्रिगर तो हमने पुल कर दिया, लेकिन आखिर इसमें इंटरनल मैकेनिज्म होती क्या है, ये किस तरह से आपका ऑटोमेटिकली लोड या फिर अनलोड कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर ऑटो लोडिंग एंड ऑटो अनलोडिंग करने के लिए एक एडिशनल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है हर एक शॉट के बाद में। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका एक फायरआर्म है, यहाँ पर आपका ट्रिगर है, तो यहाँ पर क्या है, आपने एक शॉट किया, आपने एक बार अपने ट्रिगर को पुल किया, तो पुल करने के बाद में जब आपकी एक फायरिंग हो गई, एक फायरिंग करने के बाद में अगर आपको दोबारा से फायरिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रिगर को सेकेंड टाइम फिर से पुल करना पड़ेगा आपके फायरआर्म को लोड एंड अनलोड करने के लिए। दैट मीन्स आपको पहले जो एम्प्टी कार्ट्रिज केस है उसको रिमूव करना होगा, जिसकी वजह से उस चैम्बर में आपका नया फ्रेश कार्ट्रिज वहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको वापस से लोडिंग एंड अनलोडिंग करने के लिए, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है आपके सेमी ऑटोमेटिक एक्शन में, तो हर शॉट के बाद में आपको अपना ट्रिगर को पुल करना होता है। ठीक है, तो यही पर अगर हम बात करें जो ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हर एक फायरिंग के बाद में, हर एक शॉट को फायर करने के बाद में आपको अगर रिपीट करना है अपना फायरिंग, वापस से आपको फायरिंग करनी है, तो उस केस में क्या रहता है, आपको हर बार ट्रिगर को पुल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, आपको जस्ट कंटिन्यूसली आपको फायरिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पर क्या रहता है, आपने बस एक बार ट्रिगर को पुल करे रहे, आपने ट्रिगर को पूरा कंटिन्यूसली पुल करे रहे, आपने ट्रिगर को छोड़ा नहीं, तो जब तक आप ट्रिगर को पुल करे रहेंगे तब तक आपकी फायरिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी, आपको हर शॉट के बाद में बार बार ट्रिगर दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपने एक बार ट्रिगर को पुल कर लिया एंड उसको तब तक पुल करे रहे जब तक आपको फायरिंग करती रहनी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जब तक आपकी मैगजीन में कार्ट्रिज है तब तक वो फायरिंग आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, उसमें ऑटोमेटिक आपका लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ होता रहेगा, बस आपको एक बार ट्रिगर को पकड़े रहना है। जब तक आप ट्रिगर को पुल करे रखेंगे तब तक आपकी फायरिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी, या फिर जब तक आपकी मैगजीन में नए कार्ट्रिज है तब तक आपकी फायरिंग चलती रहेगी। जैसे ही आपने ट्रिगर को पुल किया या फिर जैसे ही आपकी मैगजीन की जो कार्ट्रिज है वो ख़त्म हो गई, वैसे ही आपकी फायरिंग जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस होता है सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक में। सेमी ऑटोमेटिक में आपको हर एक शॉट के बाद में ट्रिगर को पुल करना पड़ता है लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, लेकिन ऑटोमेटिक में जस्ट आपको एक बार आपने ट्रिगर को पुल कर लिया और उसको तब तक पुल करे रहेंगे जब तक कि आपको फायरिंग चाहिए है, आपको फायरिंग करती रहनी है, तब तक आप उस ट्रिगर को पुल करे रहेंगे एंड आपकी फायरिंग चलती रहेगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है आपका सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक में। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि आपको मैं समझा पाऊँ एंड मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली दे दूँगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक में। तो अभी यहाँ पर हमने बात करी थी जो आपके सेमी ऑटोमेटिक फायरआर्म्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको ऑटो लोडिंग एंड ऑटो अनलोडिंग के लिए एक तरह के एडिशनल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है हर एक शॉट के बाद में। तो सिमिलरली जो आपके फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक में जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितने तरह का होता है या वो क्या होता है बेसिकली। सो दिस प्रेशर इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिक्वाइल गैस और ब्लोबैक टू डिस्चार्ज द एम्प्टी कार्ट्रिज, रीलोड एंड कॉक द पीस आफ्टर ईच शॉट। हर एक शॉट के बाद में जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका, जो प्रेशर लगता है वो रिकॉइल के फॉर्म में लग सकता है
मतलब जो आपका एक्शन रिएक्शन वाला होता है, मतलब रिकॉइलिंग जो रहती है आपकी, एक्शन रिएक्शन वाली जो मैंने आपको थ्योरी ऑफ रिकॉइल में बताया था, जो एक्शन रिएक्शन लगता है, सिमिलरली आपका रिकॉइलिंग में वहाँ पे क्या था कि जो आपके इंटरनल बैलिस्टिक्स में हम उसको इंक्लूड कर रहे थे, जो थ्योरी ऑफ रिकॉइल थी, कितना आपके फायरआर्म ने बैकवर्ड या इस तरह का मोशन किया, तो वो रिकॉइलिंग थोड़ा सा डिफरेंट थी। यहाँ पर भी आपका सेम लगभग वही चीज़ रहती है, बस जितना आपका प्रेशर लगता है आगे की साइड में, तो जितना उसमें गैसेस डेवलप करती हैं, जितना उसमें आपका प्रेशर जनरेट होता है, वही आपका रिकॉइल के फॉर्म में, मतलब रिवर्ट बैक करके पूरा का पूरा वापस से ऑटो लोडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो रहता है आपका रिकॉइल। इसी तरह से गैस में क्या होता है, गैस में आपकी जो गैसेस जनरेट होती हैं, वही आपकी गैसेस आपका आपका रिवर्ट बैक एक तरह से प्रेशर डेवलप करती हैं, तो ये आपका गैस में रहता है। एंड सिमिलरली एक तरह का प्रेशर डेवलप होता है ब्लो बैक एक्शन, तो ब्लो बैक में भी आपका सिमिलर ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिकॉइलिंग की, तो रिकॉइलिंग गैस एंड ब्लो बैक एक्शन, ये अलग अलग तरह के यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक में प्रेशर जनरेट करते हैं। ये तीनों तरह के आपके जो प्रेशर्स होते हैं, इसी के हेल्प से जो एम्प्टी कार्ट्रिज केस होता है वो आपके फायरआर्म से बाहर निकलता है एंड नई फ्रेश कार्ट्रिज वापस से आपके चैम्बर में जाती है। एंड आपको कंटिन्यूसली हर एक शॉट के बाद में आपको ये चीज़ करनी पड़ती है कि आपको ट्रिगर हर बार में पुल करना पड़ेगा, एंड ये वाले जो प्रेशर्स हैं, इन प्रेशर्स की हेल्प से आपके फायरआर्म हर बार ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो पूरी एक तरह की मैकेनिज्म होती है सेमी ऑटोमेटिक एक्शन में, वो इस तरह से होती है। अभी अगर हम आगे बढ़ें एंड यहाँ पर अगर हम बात करें जो सेमी ऑटोमेटिक एक्शन के टाइप्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि यहाँ पर तीन तरह के प्रेशर लगते हैं, एक होता है आपका ब्लो बैक, सेकेंड होता है आपका गैस, थर्ड होता है आपका रिकॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं प्रेशर के बेसिस पर ये जो आपके सेमी ऑटोमेटिक फायरआर्म्स होते हैं, इनको तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ब्लो बैक एक्शन, रिकॉइल ऑपरेटेड एक्शन एंड गैस ऑपरेटेड एक्शन। ठीक है, ये जो आपका ब्लो बैक एक्शन होता है, ये भी आपका दो में क्लासिफाई होता है। एक होता है आपका फॉरवर्ड ब्लो बैक एक्शन, एक होता है आपका बैकवर्ड ब्लो बैक एक्शन। रिकॉइल में भी सिमिलरली आपका एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। एंड गैस ऑपरेटेड, तो गैस ऑपरेटेड वो एक ही टाइप का होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ये सेमी ऑटोमेटिक एक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो टोटल आपके 5 टाइप्स होते हैं, क्योंकि दो आपके ब्लो बैक के आएंगे, दो आपके रिकॉइल के आएंगे एंड एक आपका गैस ऑपरेशन का आएगा। ठीक है, एंड वैसे जनरल केस में अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ब्लो बैक, रिकॉइल एंड गैस ऑपरेटेड एक्शंस। ठीक है, ये जो आपके एक्शन होते हैं ब्लो बैक एक्शन, रिकॉइल ऑपरेटेड एंड गैस ऑपरेटेड, इनके बारे में यहाँ पर मैं बेसिकली डिस्कस स्पेशली मैं अलग से डिटेल में नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी तरह के एक्शंस होते हैं जहाँ से आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से वर्क करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। इन तीनों के बारे में मैं स्पेशली अलग से वीडियो नहीं आएगा। अगर किसी को पढ़ना भी है इनके बारे में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मैं आपको इसकी PDF देने वाली हूँ, बस ये इसका कंप्लीट हो चुका है, तो आपको 3-4 दिन में इसकी कंपाइल PDF मिल जाएगी। ठीक है, सो इसकी जो PDF दूंगी मैं, तो वहाँ पर जब मैं सेमी ऑटोमेटिक एक्शन के बारे में लिखा होगा, तो वहीं पर आपको इनके बारे में भी पूरा डिटेल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से एक्शन काम करते हैं। तो उसको आप एक बार रीड करिएगा, तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को भी डाउट रहता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, एंड किसी को एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी कि उनको इस पर वीडियो चाहिए है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, लेकिन पहले आप वो PDF को पढ़ लेंगे, वहाँ पर जब लिखा होगा ब्लो बैक एक्शन, रिकॉइल ऑपरेटेड एंड गैस ऑपरेटेड एक्शन, उसको पढ़ने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता है, उसके बाद में मुझे बोलिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको सेमी ऑटोमेटिक एक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा, एंड फिर भी किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूंगी। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो इस तरह के फायरआर्म्स होते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं,
तो उसमें तो चेंजेस होते हैं बेसिकली इतने ही डिस्टेंस पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर एडिशनल चेंज नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा कवर्ड है एंड यहाँ पर आपको एडिशनल कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पर ट्रिगर को हर बार पुल करना है एंड जितनी बार आप पुल करेंगे उतनी बार आपकी फायरिंग होगी एंड उतनी बार आपका ऑटोमेटिक लोडिंग एंड अनलोडिंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक इमेज आप और देख लें, ये है आपकी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स। बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स ही बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइंड है एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर एडिशनल नहीं है। यहाँ पर आपकी फायरिंग पिन है जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, ये आपकी मैगजीन है जो आपकी ग्रिप में प्रेजेंट होती है एंड यहाँ पर आपके सारे के सारे जो कार्ट्रिजेज हैं यहाँ पर आपकी प्लेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है, आपको हर बार ट्रिगर को पुल करना है, बाकी सारा आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये किस तरह से होता है यहाँ पर भी अगर अभी भी किसी को डाउट है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजूंगी। जैसे मैंने आपको बोल्ट एक्शन, लीवर एक्शन एंड वो सारे के एक्शंस के लिए भेजी थी, सिमिलरली आपको इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वाला वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर ही टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में श्योर ज़रूर से कर देंगे एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।